सुल्तानपुर में घर फाउंडेशन का सराहनीय कार्य। घर फाउंडेशन द्वारा किया गया लावारिस शव का अंतिम संस्कार, 72 घंटे जांच पड़ताल के बाद भी शव की नहीं मिली थी कोई सूचना। सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र के डोबियारा में कई दिनों से तेंदुए की आहट। 48 घंटे तक चली जांच अभियान के बाद निकला फिशिंग कैट, पंजों के निशान से ग्रामीणों में मची थी दहशत। वन विभाग के अफसरों की घोषणा से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सुल्तानपुर में ऑपरेशन इंद्रधनुष में दो वांछित गिरफ्तार, कोड़वार पुलिस को मिली है सफलता, दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। अमेठी के मुसाफिरखाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9:09 तक जलाई टार्च और मोमबत्ती, बेरोजगार युवाओं के पक्ष में किया समर्थन, सरकार को जगाने के लिए रोशनी कर युवाओं के लिए मांगा रोजगार। अमेठी के जामो में बेरोजगार युवतों ने रात 9 ही जलाई मोमबत्ती और टार्च, सरकार से रोजगार की मांग की। सुल्तानपुर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कोविड-19 से संक्रमण के रोकथाम हेतु की गई गहन समीक्षा। समीक्षा बैठक में जिला सर्विलांस अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबन की संस्तुति के दिए गए निर्देश। सुल्तानपुर में मिले 50 नए कोरोना मरीज, जिले में अब तक 2,486 लोग हो चुके हैं संक्रमित, अब तक 37 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। सुल्तानपुर की सूरापुर चौकी क्षेत्र पोखरदहा में सालों से चल रहे प्रेम प्रसंग के मामले में सूरापुर चौकी प्रभारी ने दोनों पक्षों को बुलाया। चौकी पर बने हनुमान मंदिर में वरमाला व मांग में सिंदूर पहनवाकर करवा दी शादी। सुल्तानपुर में निजी कंपनी के कर्मचारी ने रची थी 3,67,000 लूट की साजिश। नगर कोतवाली के गणपत सहाय महाविद्यालय के सामने दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 25,000 के दो इनामिया समेत 3 गिरफ्तार, साजिशकर्ता फरार। 1,53,000 रुपये असलाहा बाइक भी हुई बरामद। पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने गिरफ्तार करने वाली नगर कोतवाली टीम को दिया 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार। सुल्तानपुर में बेरोजगारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद ताहिर खान ने मोमबत्ती जलाकर जताया विरोध। 9:09 मोमबत्ती जलाकर किया गया विरोध। सुल्तानपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद संस्था ने किया कोरोना योद्धा का सम्मान। वीर अब्दुल हमीद ने 56वीं शहादत दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समाज सेवियों, हिंदू मुस्लिम एकता समिति एवं नेशनल यूनिटी फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी को कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा गया। और आज हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि वीर अब्दुल हमीद की तरह हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हुए सदैव देश हित में सोचते रहें और देश हित के लिए काम करते रहें। लगातार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस संस्था के द्वारा किया जाता है, जिससे देश के युवाओं को, खास करके युवा वर्ग को, देश और समाज के प्रति त्याग बलिदान करने की भावना विकसित करने में इससे मदद मिलती है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में देर रात कुएं में पानी लेने गई युवती की हुई मौत। पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी युवती, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पंचनामा कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महिलो आशापुर गांव की है घटना। सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सुल्तानपुर में कोविड किट घोटाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। SIT जांच के आदेश दिए। ACS राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में होगी मामले की जांच। कल सुल्तानपुर जनपद में कोविड-19 समीक्षा की बैठक में पहुंची थी सुल्तानपुर, मीडिया से बनाई गई थी दूरी। सच्चाई वही जो हम बताएं।